का ऐसा मामला लीगल है जो कि बहुत ही आनंद देगा। नेटफ्लिक्स ने बहुत पोषंपा पिक्चर ने राहुल पांडे जी ने इसको बहुत सुंदरता से पेश किया हिंदी हार्टलैंड के लिए। मेरे बड़े वकील दोस्त हैं और जजेस फ्रेंड्स हैं, वो बड़े एक्साइटेड हैं कि हमारी जिंदगी को नेटफ्लिक्स में इतने सारे देशों में एक साथ देखा जाएगा। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मतलब अच्छी चीज़ ये है कि कॉमेडी टू द फेस हमने नहीं की है। नहीं, पहली नज़र में ही ऐसा लगा कि यार ये दुनिया एक्सप्लोर करनी चाहिए। विच इज़ अनन्या श्रॉफ, ये हार्वर्ड से पढ़ के आई है, LLM किया है उसने। वो चूज़ कर रही है कि वो अपने फादर के ट्रेजेक्ट्री में ना जाए और वो एक लीगल एड बने। नॉर्मली सच गर्ल्स मे बी विल चूज़ टू बी इन अ कॉर्पोरेट सेटअप और जॉइन फ्रॉम द टॉप। मैं किरदार निभा रही हूँ सुजाता नेगी का। ये फॉयर में मतलब पेवमेंट में बैठने वाली एक वकील है। अंकल किस्म के वकील भी इसे दीदी बुलाते हैं, सुजाता दीदी। ये एक ऐसा मामला लीगल है जो कि बहुत ही आनंद देगा। देश ने हमेशा वकीलों को, वकीलों की दलील को और तारीख पर तारीख, ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी तो लगा मामला बड़ा गंभीर हो जाता है कोर्ट कचहरी में। लेकिन उनकी पर्सनल ज़िंदगी में, जैसे राम जेठमलानी जी जी थे या सालवे साहब थे, ऐसे वकील पर्सनल लाइफ में बड़े वन लाइनर उनकी बहुत अच्छी थी, उनकी कॉमेडी पंचेस बहुत अच्छे, गाने सुनना, म्यूज़िक सुनना, उनकी ज़िंदगी के सपने, उनके परिवार, उनके अंतर्द्वंद, उनके अंदर कैंपस के अंदर पड़पड़गंज जो दिल्ली में कोर्ट कैंपस बताया गया, कचहरी बताया गया, उसमें कैसे आनंद होता है, कैसे अलग अलग मुख्य किरदार होते हैं, कैसे मैं एक त्यागी के रूप में, मेरे किरदार का नाम है त्यागी, जो स्मार्ट है, क्लेवर है, शार्प है, स्मूथ ऑपरेटर है, उसके साथ उसके एक सपने होते हैं, तो उसको कैसे ह्यूमर तरीके से व्यंग में, सटायर में, एक कोर्ट कचहरी के और रियल इंसिडेंट्स सारे बताए गए हैं 8 एपिसोड में, छोटे एपिसोड है। तो नेटफ्लिक्स ने बहुत, पोषंपा पिक्चर ने राहुल पांडे जी ने इसको बहुत सुंदरता से पेश किया हिंदी हार्टलैंड के लिए। कोर्ट कचहरी में आनंद, कोर्ट कचहरी से लोगों को डर, भय, कहते ना यार भगवान करे कभी कोर्ट का या अस्पताल से पाला ना पड़े, ये पूरा एक लोगों की एक वन लाइन जीवन में हमेशा कही जाती है कि दो जगह से भगवान बचाए। लेकिन वहाँ के आनंद और कैसी कुछ उनकी ह्यूमर लाइफ, उनकी ज़िंदगी में भी क्या क्या होता है वो बताया बड़ा अच्छे से है। और पहली बार इस तरह से वकील बन के यार वकीलों को या कोर्ट कचहरी को या छोटे कोर्ट को या तो किसी जिले के कोर्ट को बताना, वहाँ के जितने मेरे बड़े वकील दोस्त हैं और जजेस फ्रेंड्स हैं, वो बड़े एक्साइटेड हैं कि हमारी ज़िंदगी को नेटफ्लिक्स में इतने सारे देशों में एक साथ देखा जाएगा। और आप लोग कर रहे हैं और रवि जी आप कर रहे हैं, तो बड़े खुश हैं, बड़ा एक्साइटमेंट है। इसका ट्रेलर छूटा है, उसको बड़ा रिस्पांस भी अच्छा मिला। सौरभ और कुणाल ने लिखी है। तो पहली बार जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मतलब अच्छी चीज़ ये है कि कॉमेडी टू द फेस हमने नहीं की है ना। आप ऐसी जगहों पर जब आप जाते हैं, जो कि यूजुअली हमने जब भी सिनेमा में देखा है कोर्ट को, हमेशा सीरियस देखा है या हॉस्पिटल हो गई या ऐसी जगह है ना, पर इसके अंदर जो ह्यूमर होता है उसको कैप्चर करने की जो कोशिश की गई थी वो स्क्रिप्ट में बखूबी लिखा हुआ था। तो वो पढ़ते ही पहली नज़र में ही ऐसा लगा कि यार ये दुनिया एक्सप्लोर करनी चाहिए, क्योंकि हमने भी जब भी हम खुद भी कोर्ट में गए हैं, कई बार ऐसी जगह पर हमने ह्यूमर देखा है जहाँ पर ह्यूमर किया नहीं जा रहा है पर सिचुएशन में हो चुका है। सर का कैरेक्टर है जो एक सीनियर वकील से मिलता है और वो उनसे कहते हैं कि त्यागी मैंने सुना तुम लॉयर हो, तो इनका बड़ा अच्छा जवाब है कि लॉयर नहीं सर, स्टूडेंट, लॉयर बनने में तो उम्र गुजर जाती है। मैं किरदार निभा रही हूँ सुजाता नेगी का। ये फॉयर में मतलब पेवमेंट में बैठने वाली एक वकील हैं, पिछले 8-10 सालों से करीब वकालत प्रैक्टिस कर रही हैं, पर क्लियरली अगर आपने एपिसोड्स देखे हैं तो इन्हें लीगल जानकारी तो इतनी नहीं है। तो वो वाले लॉयर्स होते हैं ना जो कोर्ट रूम में नहीं जाते, बाहर से क्लाइंट फंसाते हैं, उन्हें घेरते हैं, फिर आगे किसी और बड़े लॉयर के पास पास कर देते हैं और उसी के बीच में जो कमीशन थोड़ा बहुत उसी से अपना गुजारा चला रही है। तो ये सुजाता जो है ये उस स्ट्राटा को बिलोंग करती है। ऑफकोर्स फॉयर में इसका एक रुतबा है, अंकल किस्म के वकील भी इसे दीदी बुलाते हैं, सुजाता दीदी। और तो डेफिनेटली गुंडी है, थोड़ी सी तो है, बदमाश, मैनिपुलेटिव, और इसे लीगैलिटी या जस्टिस की इतनी तो नहीं पड़ी है, इसे अपना घर चलाना है, इसकी ज़रूरतें हैं, तो सारा फोकस वहीं से आता है। और उन्हीं सब चीज़ों में आई थिंक थोड़ी मस्खरी मस्ती
वो हो जाते हैं ना, सीनियर होते हैं ना जो कॉलेज के, वो बुली करते हैं ना, नए बच्चे आते हैं तो थोड़ी वो पर्सनालिटी तो है. विच इज़ अनन्या श्रॉफ. ये हार्वर्ड से पढ़ के आई है, LLM किया है उसने, थर्ड जनरेशन लॉयर है. बट वो चूज़ कर रही है कि वो अपने फादर के ट्रेजेक्ट्री में ना जाए और वो एक लीगल एड बने और शुरू करेगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से. सो इट्स अ वेरी अनयूजुअल सिनेरियो. नॉर्मली सच गर्ल्स मे बी विल चूज़ टू बी इन अ कॉर्पोरेट सेटअप और जॉइन फ्रॉम द टॉप. But she actively chooses to start from ground zero, and that's what makes her very interesting. Because she's choosing something that you don't expect someone with a certain, coming from a certain strata or coming from a certain idea of privilege to start in a certain environment. Hum sochte hain ki sirf Sujata Didi jaisi ladkiyan wahan pe hongi, lekin aisa nahi hai. Hum stereotypes nahi dikha rahe. हम दिखा रहे हैं कि लोग असलियत में सारे शेड्स और कलर्स से होते हैं. कुछ अतरंगी, कुछ सेंसिटिव, कुछ मजाकिया, हर चीज़ होता है हर इंसान में. सो जस्ट बिकॉज आई एम फ्रॉम हार्वर्ड, ये नहीं है कि हम मजाक नहीं करते. इनफैक्ट मी एंड निधि, वी हैव अ ग्रेट कमराडरी आई थिंक एज द शो प्रोग्रेसेस.